हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश मौर्या। फ्रेंड्स, आज हम लोग बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसमें हम लोगों ने लैटिट्यूडनल पैटर्न देखा और स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप देखा। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पेसिस डाइवर्सिटी टू इकोसिस्टम। मीन्स इकोसिस्टम में स्पेसिस का क्या रोल है, कितना इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम के लिए, कोई भी स्पेसिस कितना इंपॉर्टेंस है, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो लोग इस चैनल पर न्यू हैं, जो लोग पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, कम्युनिटी विथ मोर स्पेसिस टेंड टू बी मोर स्टेबल देन दोज विथ लेस स्पेसिस। तो इसके बारे में ज़रा हम लोग समझते हैं। जो कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा स्पेसिस होगा वो कम्युनिटी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, जो कम्युनिटी में सबसे कम स्पेसिस होगा वो कम सबसे कम स्टेबल होगा। तो इसको अच्छे से हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। सपोज एक विलेज है ठीक है, और उस विलेज में 50 लोग रहते हैं, एक ह्यूमन स्पेसिस है ठीक है, और वहाँ पर क्या है 50 लोग रहते हैं उस विलेज में। तो वो 50 लोग क्या करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे ठीक है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। सपोज दूसरा विलेज है, वहाँ पे सिर्फ 10 लोग रहते हैं, तो ये जो 10 लोग हैं ये एक दूसरे का जो नीड है उतना अच्छे से फुलफिल नहीं कर पाएंगे एज़ कम्पेयर टू 50 लोग जो हैं। तो इसके वजह से जहाँ पे स्पेसिस सबसे ज़्यादा है तो वो लोग क्या होंगे, ज़्यादा स्टेबल होंगे एज़ कम्पेयर टू जहाँ पे स्पेसिस सबसे कम है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डेविड टिलमेंस ये क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक प्लॉट लेते हैं, एक आउटडोर प्लॉट लेते हैं, उस पर वो एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके बाद एक्सपेरिमेंट के बाद वो कुछ पॉइंट्स बताते हैं, जरा हम लोग उसके ऊपर नज़र डालते हैं। प्लॉट विथ मोर स्पेसिस सो लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास। तो वो क्या बोलते हैं, जो प्लॉट पर सबसे ज़्यादा स्पेसिस है, जो प्लॉट पर सबसे ज़्यादा स्पेसिस है तो उसके अंदर क्या होता है, जो टोटल वेरिएशन आता है, मतलब जो टोटल बायोमास पूरे एनुअल बायोमास आता है ईयर टू ईयर, एनुअल मीन्स जो पूरे ईयर में एक साल में जो बायोमास आ रहा है उसमें जो वेरिएशन है, जो चेंजेस है, वो बहुत मिनिमम होता है, बहुत कम होता है। अब बायोमास क्या होता है पहले हम लोग समझ लेते हैं। बायोमास क्या होता है, सपोज कोई एरिया है, उस एरिया में टोटल कितना क्वांटिटी, कितने ऑर्गेनिज्म है और वो लोग जो प्रोड्यूस करते हैं, जो वो लोग जो कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो टोटल एक पर्टिकुलर एरिया में या फिर पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितने अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोमास। क्या बोलते हैं हम लोग, बायोमास। तो एक बार जरा इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। बायोमास का क्या है, टोटल क्वांटिटी और यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ गिवन एरिया और ठीक है। तो पहले पॉइंट में वो क्या बताते हैं, मोर स्पेसिस सो लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास। तो जितना ज़्यादा स्पेसिस होगा वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर एरिया में जो वेरिएशन है बायोमास प्रोडक्शन में, जो वेरिएशन है वो सबसे कम दिखाएगा। अगर स्पेसिस कम होगा तो वेरिएशन ज़्यादा दिखने को मिलेगा हम लोग को टोटल बायोमास प्रोडक्शन में ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूटेड टू हायर प्रोडक्टिविटी, मीन्स जितना डाइवर्स होगा उतना ही प्रोडक्शन में जो प्रोडक्टिविटी है उस उतना ही ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा डाइवर्सिटी होगा उतना ही ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगा। जरा हम लोग समझते हैं कि प्रोडक्टिविटी होता क्या है। तो प्रोडक्टिविटी क्या होता है, जो भी प्लांट है, जो कुछ भी एनिमल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म है जो अपना जो फूड बना रहे हैं या फिर फोटोसिंथेसिस से या फिर केमिकल मूड से, तो ये जो पर यूनिट एरिया एंड टाइम ठीक है, मतलब प्रोडक्शन मतलब क्या, पर यूनिट एरिया मतलब कुछ पर्टिकुलर एरिया में वो कितना अमाउंट में वो चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से या फिर केमिकल की मदद, केमिकल मोड ऑफ न्यूट्रिशन की मदद से जो कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट और एनिमल। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एट्रीब्यूट फॉर स्टेबल कम्युनिटी, अभी डेविड टेलमेंस क्या बोलते हैं, वो एक कम्युनिटी को स्टेबल होने के लिए क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्या एट्रीब्यूट्स होना चाहिए, हम लोग उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है उसमें, शुड नॉट सो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर। मीन्स कोई भी कम्युनिटी स्टेबल कब होगा, जब उसका जो टोटल प्रोडक्शन है पर ईयर उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, उसमें जो वेरिएशन होता है वो बहुत ही मिनिमम होना चाहिए या फिर बहुत कम होना चाहिए। फिर से एक बार, शुड नॉट सो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर। प्रोडक्टिविटी का मतलब आपको मैंने बता दिया, प्रोडक्टिविटी मीन्स क्या होता है, कोई भी प्लांट या फिर एनिमल फोटोसिंथेसिस या फिर केमिकल मोड ऑफ न्यूट्रिशन के थ्रू कोई भी चीज का प्रोडक्शन करता है पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया में। आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट क्या है, इट मस्ट बी आइदर रेजिस्टेंट और रेसिलिएंट टू ओकेजनल डिस्टरबेंस। ठीक है,
तो जो भी स्पेसिस है वो क्या होना चाहिए, अगर उसके ऊपर मैनमेड या फिर नेचर की वजह से कोई उस पर डिस्टर्बेंस आ रहा है, जैसे कि अर्थक्वेक आ रहा है, साइक्लोन आ रहा है, स्टॉर्म आ रहा है, उसके वजह से बहुत सारे स्पीसीज क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बहुत सारे जो हमारा ह्यूमन एक्टिविटी है उसके वजह से बहुत सारे स्पीसीज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इसमें क्या बता रहे हो कि वो अगर स्टेबल कब होगा, जब कोई भी डिस्टर्बेंस आएगा नेचुरल या फिर मैनमेड की वजह से, तो क्या करना चाहिए, जो स्पीसीज उसको रसिस्ट करना चाहिए, या फिर अगर वो जो डिस्ट्रक्शन या फिर डिस्टर्बेंस अगर वो ज़्यादा मात्रा में होता है, डिस्ट्रक्शन खत्म होने के बाद, डिस्ट्रीब्यूशन खत्म, डिस्टर्बेंस खत्म होने के बाद वो क्या करना चाहिए, अपने आप को फिर से रिबिल्ड करना चाहिए, फिर से क्या करना चाहिए, वो स्पेसिस फिर से रिबिल्ड करना चाहिए। तो ये है दूसरा क्वालिटी। तीसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग, इट मस्ट ऑल्सो बी रेसिस्टेंट टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीसीज। मीन्स सपोज कोई कम्युनिटी एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहा है, अगर यहाँ से कोई एक एलियन स्पीसीज आता है, मीन्स बाहर से कोई स्पीसीज आता है जो क्या करते हैं, ये जो पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पे जो कुछ भी स्पेसिस है अगर उनको नुकसान पहुँचाता है या फिर वो स्पेसिस को डैमेज करना स्टार्ट करता है, तो ये जो स्पेसिस है इस पर्टिकुलर रीजन में वो क्या करना चाहिए, इसको रसिस्ट करना चाहिए, मीन्स अपने आप को बचाने के लिए उससे फाइट करना चाहिए। अभी हम लोग देखने वाले हैं राइबट पॉपर हाइपोथिसिस। ये जो हाइपोथिसिस है ये स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट, मीन्स स्टैनफोर्ड के जो इकोलॉजिस्ट हैं पॉल एर्लिक, उन्होंने बताया है। स्टैनफोर्ड के जो इकोलॉजिस्ट हैं, क्या नाम है उनका, पॉल पॉल एर्लिक, इन्होंने बताया है। तो ये क्या बोलते हैं, चलिए एक बार रीड करते हैं, उसके बाद इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। इन एन एरोप्लेन, एरोप्लेन्स मीन एक इकोसिस्टम, ऑल पार्ट आर ज्वाइंट टुगेदर यूजिंग थाउजेंड्स ऑफ राइवेट्स। राइवेट्स को इन्होंने स्पेसिस से कंपेयर किया हुआ है, और एरोप्लेन जो है उसको किससे कंपेयर किया हुआ है, उन्होंने इकोसिस्टम से। इफ अ पैसेंजर ट्रेवल इन एंड इट स्टार्ट पॉपिंग अ प्राइवेट टू टेक होम कॉजिंग स्पेसिस टू बिकम एक्सटेंट, इट मे नॉट अफेक्ट फ्लाइट सेफ्टी, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम इनिशियली, बट एज मोर एंड मोर राइवेट्स आर रिमूव द प्लेन बिकम डेंजरसली वीक ओवर पीरियड ऑफ टाइम। अब ये क्या बोलते हैं कि ये जो एरोप्लेन है उसको उन्होंने इकोसिस्टम से कंपेयर किया है, ये जो एरोप्लेन है इसको उन्होंने क्या किया है, इकोसिस्टम से कंपेयर किया है। उसके बाद राइवेट मीन्स क्या होता है, ये जो एरोप्लेन है वो एक दूसरे से जो फिक्स किया जाता है वो किससे फिक्स किया जाता है, राइवट की मदद से। राइवट मीन्स क्या होता है, जैसे हम लोग ने स्क्रू देखा है, मीन्स होता है स्क्रू, जो कि हम लोग कोई चीज़ को फिक्स करने के लिए स्क्रू का यूज़ करते हैं, वैसे ही प्लेन का जो भी पार्ट है उसको हम लोग ने स्क्रू से, स्क्रू के मदद से फिक्स किया हुआ है। स्क्रू मीन्स नेल, यानी कि खिल्ला समझ सकते हैं हम लोग हिंदी में, सिंपल लैंग्वेज में। अगर ये प्लेन अगर एक इकोसिस्टम है, इसके अंदर जो भी पैसेंजर है अगर वो एक एक स्क्रू यानी कि एक एक राइवट इसमें का अगर निकालता है, तो उससे क्या होगा, प्लेन को कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। मगर अगर इस प्लेन का कोई इम्पॉर्टेंट पार्ट, यानी कि कोई, अभी सपोज ये जो पार्ट है यहाँ का, अगर वो कोई राइवट अगर निकालने लगेंगे तो क्या होगा, ये धीरे धीरे क्या होगा, इकोसिस्टम प्लेन क्या होगा, डैमेज होगा। इसका मतलब क्या है, इस इकोसिस्टम डैमेज होने लगेगा, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हो, तो एक प्लेन का जो एक एक पार्ट है वो किससे कनेक्ट किया गया है, राइवट से। किससे कनेक्ट किया गया है, राइवट से। अब एक एक राइवट इसमें से अगर निकाल लिया जाएगा तो प्लेन क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, प्लेन का एक एक पार्ट डैमेज होने लगेगा। मीन्स हमारा जो इकोसिस्टम है, जो कि ये जो प्लेन है इसको इकोसिस्टम से कंपेयर किया है, तो उसी तरह इकोसिस्टम से अगर एक एक स्पेसीज अगर एक्सटिंक्ट होने लगेंगे, या फिर एक एक स्टेट स्पेसीज को अगर एक्सटिंक्ट होने लगेंगे या फिर मारा जाएगा, तो उससे क्या होगा, ये जो हमारा इकोसिस्टम है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, धीरे धीरे खराब होने लगेगा। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अभी जो बायोडाइवर्सिटी है उसका लॉस कैसे होता है, मीन्स वो कैसे धीरे धीरे कम होता है या फिर धीरे धीरे डैमेज हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो उसका सबसे पहला कॉज क्या है, तो उसका कॉज क्या है, पॉपुलेशन है। क्या है, पॉपुलेशन, और क्या है, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन। मीन्स एक जगह से, जैसे कि सपोज कोई लोग, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो क्या होता है, तो लोगों को रहने के लिए जगह कम पड़ रहा है, जिसके वजह से वो क्या कर रहे हैं, जो भी जंगल है, जो भी फॉरेस्ट है, वो फॉरेस्ट पे भी वो लोग धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, जिसके वजह से फॉरेस्ट का क्या है, जो भी प्लांट वगैरह है सबको धीरे धीरे वो लोग कटिंग कर रहे हैं, जिसके वजह से क्या हो रहा है, वहाँ के जो जानवर है, वहाँ के जो भी एनिमल्स है, वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, जंगल को छोड़ के उनको जाना पड़ रहा है, उनका जो हैबिटाइट है उनको छोड़ के उनको जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनका क्या हो रहा है, एक्सटिंक्शन हो रहा है। फिर से इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, जो इंडस्ट्रीज के जो पॉल्यूशन है उसके वजह से वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, या फिर इंडस्ट्री लगाने के लिए अगर जगह नहीं है तो बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ा जंगल का एरिया ले लेते हैं और वहाँ पे पूरा ट्री को कट करके वहाँ पे अपनी इंडस्ट्री को लगाते हैं। फिर से इंडस्ट्री में से बहुत सारे ऐसे केमिकल निकलते हैं, बहुत सारे ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस निकलते हैं, जो क्या कर रहे हैं, जो हमारे एनिमल्स हैं उनको नुकसान पहुँचा रहे हैं, उनको डैमेज कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग,
कॉलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइसलैंड बाय ह्यूमंस हैज लीड टू बी एक्सटेंशन ऑफ मोर देन 2000 स्पीसीज ऑफ नेटिव बर्ड. मीन्स अभी मैंने जैसे आपको पिछले लेक्चर में बताया जो ट्रॉपिकल रीजन होता है, मीन्स जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पीसीज पाया जाता है जो कि इक्वेटर पे सिचुएटेड है, मीन्स इक्वेटर के आजू बाजू लाई करता है, यानी कि इक्वेटर के आजू बाजू प्लेस है. ठीक है, तो वहाँ पे जो पैसिफिक आइसलैंड है वहाँ पे क्या होता है, जब वहाँ पे ह्यूमन आके रहने लगे तो उसके वजह से क्या हो गया, 2000 से भी ज़्यादा स्पीसीज ऑफ बर्ड वहाँ से धीरे धीरे क्या होने लगे, एक्सटिंक्ट होने लगे. क्या होने लगे, एक्सटिंक्ट होने लगे. तो ये जो आंकड़ा है नीट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये जो आंकड़ा है 2000 स्पीसीज है नीट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आगे बढ़ते हैं हम लोग. IUCN, IUCN मीन्स क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स. तो एक कमिटी है जो क्या करता है, जो नेचर है और नेचुरल रिसोर्स है उसको, नेचर है और नेचुरल रिसोर्स को बचाने के लिए, उसके कंजर्वेशन के लिए बनाया गया है. तो उसके लिस्ट में क्या बताया गया, 2004 में उनका क्या हुआ था, एक लिस्ट बनाया था जिसमें उन्होंने बताया है 784 स्पेसीज 5 साल में एक्सटिंक्ट हुए हैं. 2004 में उन्होंने एक लिस्ट निकाला जिसमें उन्होंने क्या डिक्लेयर किया, टोटल 784 स्पेसीज क्या हुए, एक्सटिंक्ट हुए हैं लास्ट 500 सालों में. ठीक है, तो उसमें से कौन कौन सी स्पेसीज है जरा एक बार उस पर नजर डालते हैं हम लोग. 338 वर्टिब्रेट्स, जिसमें क्या है 338 वर्टिब्रेट्स है, 359 इनवर्टिब्रेट्स है और 87 प्लांट्स है. और उसमें क्या है, 87 प्लांट्स है, 359 इनवर्टिब्रेट्स है, 338 वर्टिब्रेट्स है. तो ये जो आंकड़ा है ये नीट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. रिसेंट एक्सटिंक्शन, अभी रिसेंट एक्सटिंक्शन में देख लेते हैं. एक्सटिंक्शन में क्या होता है, वो स्पीसीज जो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से या फिर मैन मेड एक्टिविटी की वजह से या फिर नेचर की कुछ एक्टिविटी की वजह से क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं या फिर लुप्त हो चुके हैं या फिर गायब हो चुके हैं हमारे प्लैनेट से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्शन. तो उसमें आता है डोडो. डोडो नाम का एक पक्षी है, एक बर्ड है जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका है. फिर क्वागा जो कि अफ्रीका का है. फिर थैलेसिन जो कि ऑस्ट्रेलिया का है, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा थैलेसिन. फिर आता है स्टेलर सी काउ जो कि रसिया का है. फिर 3 सब स्पेसीज ऑफ टाइगर, ये जो टाइगर के सब स्पेसीज हैं, मीन्स टाइगर के ही स्पेसीज है, इसमें कौन कौन सा नाम आता है, 3 सब स्पेसीज है. कौन कौन नाम क्या उनका, बली, जैवन और कैस्पियन. लास्ट 25 ईयर अलोन हैव विटनेस द डिसअपीयरेंस ऑफ 27 स्पेसीज, मीन्स लास्ट 25 ईयर्स में 27 स्पेसीज क्या हुए, एक्सटिंक्ट हुए हैं. ये भी नीट के लिए इंपॉर्टेंट है. आगे बढ़ते हैं हम लोग. मोर देन 15,500 स्पेसीज वर्ल्ड वाइड आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, मीन्स 15,500 से भी ज़्यादा स्पीसीज अभी भी क्या है, मतलब एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं कि वो कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं. अभी देख लेते हैं हम लोग. एट प्रेजेंट स्पीसीज इन द वर्ल्ड फेस द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन. एट प्रेजेंट देख लेते हैं कितने स्पीसीज जो थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन है, उसका परसेंटेज में जरा देख लेते हैं. 12% ऑफ बर्ड स्पीसीज, 23% ऑफ मैमेलियन स्पीसीज, 32% ऑफ एम्फीबियन स्पीसीज, 31% ऑफ जिम्नोस्पर्म. ये सब क्या है, थ्रेटेंड ऑफ एक्सटिंक्शन है, मीन्स एक्सटिंक्ट होने के कगार पर हैं एट प्रेजेंट. ठीक है, ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड यानी कि 3 बिलियन ईयर से भी ज़्यादा, सिंस द ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, देयर वेयर 5 एपिसोड ऑफ मैसिव एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज, 6 एक्सटिंक्शन प्रेजेंटली इन प्रोग्रेस. जब से पृथ्वी का ओरिजिन हुआ है, यानी कि 3 बिलियन से भी ज़्यादा साल से अभी तक क्या हो गया है, 5 एपिसोड हो चुका है जिसमें बहुत सारे मैसिव एक्सटिंक्शन हुआ है. किसका, स्पेसीज का, मीन्स स्पेसीज सबसे ज़्यादा एक्सटिंक्ट हुए हैं. वो कितना एपिसोड हो चुका है, 5 एपिसोड. छठवां जो एपिसोड है, मीन्स छठवां एक्सटिंक्शन अभी प्रेजेंटली, जो अभी जो प्रेजेंट में जो टाइम चालू है इसमें क्या हो रहा है, छठवां जो एक्सटिंक्शन है, मतलब छठवां जो पीढ़ी है जिसमें क्या हो रहा है, स्पेसीज का एक्सटिंक्शन हो रहा है. ठीक है, तो अभी देख लेते हैं हम लोग. अभी द रेट ऑफ करंट स्पेसीज एक्सटिंक्शन रेट आर एस्टिमेटेड टू बी 100 to 1000 टाइम्स फास्टर देन प्री ह्यूमन टाइम्स, मीन्स ह्यूमन से आने से पहले, ह्यूमन का डेवलपमेंट होने से पहले, यानी कि ये जो 5 एपिसोड था उससे, ये जो एपिसोड था इसमें क्या होता था, जो एक्सटिंक्शन होता था उससे, और अभी का जो एक्सटिंक्शन हो रहा है, जो छठवां एक्सटिंक्शन है, वो क्या है, 100 to 1000 टाइम्स ज़्यादा, यानी कि 100 से 1000 गुना ज़्यादा एक्सटिंक्शन इस टाइम पे हो रहा है. ये ज़्यादा करके ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो रहा है. और इसमें ऐसा बताया जा रहा है 50% से भी ज़्यादा स्पीसीज क्या होगा, अगले 100 सालों में एक्सटिंक्ट हो जाएगा.
50% से भी ज़्यादा स्पेसीज अगले 100 सालों में क्या होगा, एक्सटिंक्ट होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन अ रीजन में लीड टू डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन। अगर इसी तरह बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा तो क्या होगा, प्लांट का जो प्रोडक्शन है धीरे धीरे क्या होगा, कम हो जाएगा। आगे देखते हैं। लोअर रेजिस्टेंट टू इन्वायरमेंटल चेंजेस सच एज ड्रॉट, मीन्स अगर इसी तरह प्लांट का प्रोडक्शन अगर लॉस हुआ या फिर प्लांट अगर कम होने लगा तो उससे क्या होगा, जो ड्रॉट है, सूखा है, यानी कि अकाल जिसको हम लोग बोलते हैं, जब रेन रेन ज़्यादा ज़्यादा बारिश वगैरह नहीं होता है तो वो लैंड कैसा होता है, एकदम बंजर हो जाता है। वहाँ पे बारिश नहीं होने की वजह से वहाँ पे क्या होगा, इन्वायरमेंट में इतना चेंजेस आ जाएगा कि उससे ज़्यादा क्या होगा, ड्रॉट आने लगेगा। ड्रॉट मीन्स सूखा। जितना ज़्यादा प्लांट होता है उतना ज़्यादा बारिश होता है, हम लोग को मालूम है। अगर प्लांट कम होने लगेगा तो उससे क्या होगा, ज़्यादा करके ड्रॉट आएगा। ड्रॉट मीन्स क्या होता है, सूखा, अकाल। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। इंक्रीज वेरिएशन इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज एंड पेस्ट एंड डिजीज साइकिल। जैसे जैसे बायोडाइवर्सिटी कम होगा उसके वजह से क्या होगा, ये जो हमारा प्लांट का प्रोडक्टिविटी है उसमें चेंजेस आने लगेगा, उसमें वेरिएशन आने लगेगा। वाटर का जो यूज़ है उसमें भी वेरिएशन आने लगेगा। जो पेस्ट है यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर जो भी ऑर्गेनिजम्स है, डिजीज साइकिल, उसमें क्या होगा, वेरिएशन आने लगेगा। ठीक है, अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे मेजर 4 कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो इसको लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।